हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक फ्रॉम हिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 2। क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? हम पढ़ रहे हैं द फरवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। तो फरवरी रेवोल्यूशन का, पेट्रोग्रेड में जो फरवरी रेवोल्यूशन हुआ था उसका जो एक बैकग्राउंड था वो हमने पढ़ लिया है कि वहाँ पर एक रिवर थी नेवा, और नेवा रिवर के राइट बैंक पर जितने भी वर्कर्स थे, वर्कर्स क्वार्टर थे और जो फैक्ट्रीज थी वो राइट बैंक पर थी, और उसके लेफ्ट बैंक पर क्या था, लेफ्ट बैंक पर जितने भी वो थे, एक फैशनेबल एरिया था वहाँ पर, राजा का महल था, और उसके साथ साथ जितने भी जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी वो सब उसके लेफ्ट बैंक पर थी। तो सिचुएशन क्या थी वहाँ पर? सिचुएशन थी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे लोग। एक तो फूड की शॉर्टेज हो रही थी, क्योंकि सारा फूड जो है वो सप्लाई हो रहा था वार प्लेस पर, फूड की बहुत शॉर्टेज हो रही थी। वेदर कंडीशन उनके फेवर में नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी, बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही थी। इसके साथ साथ आए दिन क्या होते, रियोट हो रहे थे खाने के लिए। अब लोग बहुत ज़्यादा जब प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तब उन्होंने क्या किया, 22 फरवरी को उन्होंने फैक्ट्री में क्या किया, लॉकआउट कर दिया, हड़ताल कर दी वहाँ पर। तो उनके फेवर में बहुत सारी लगभग 50 फैक्ट्रीज को के वर्कर स्ट्राइक पर चले गए और वो निकल गए कहाँ पर, राजा के पास। और वो राजा के पास जब वहाँ पर पहुँचे, दूसरे राजा के पास मतलब लेफ्ट बैंक में जब पहुँचे, तो वहाँ पर राजा ने उसको भीड़ को देखकर या डेमोनस्ट्रेटर को देखकर कर्फ्यू वहाँ पर लगा दिया। कर्फ्यू लगाने के बाद लोग इधर उधर चले गए, लेकिन 24 और 25 फरवरी को वो फिर से वापस आए अपनी डिमांड्स के साथ। अब राजा ने अपनी क्लेवरी को बुला लिया, पुलिस को बुला लिया, और सब कहा कि उन पर वो नज़र रखे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि राजा की एक तरफ जो वहाँ का मोनार्क है राजा जार, उसकी जो आर्मी है वो खड़ी हुई है, और दूसरी तरफ जितने भी डिमोनस्ट्रेटर्स हैं वो हैं। वो कुछ अभी कुछ नहीं हो रहा था, अभी वो सिर्फ उन पर एक दूसरे पर नज़र रखे हुए थे। अब क्या होता है, अब जो आउटब्रेक हुआ रेवोल्यूशन का वो कैसे हुआ, और राजा को कैसे हटाया गया, जो राजा था उसको कैसे ब्राउट डाउन किया गया, वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बच्चे। तो वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, मोनार्की वाज ब्राउट डाउन, कि जो मोनार्की थी उसको कैसे बॉलिश कर दिया गया, कैसे उसको हटा दिया गया। तो वहाँ हमने देखा था कि सेनाएं आमने सामने थी। अब संडे 25 फरवरी 1917 गवर्नमेंट सस्पेंडेड द डुमा। पढ़ा था ना प्रीवियस वीडियो में कि डिजायर कर रहा था राजा जार, डिजायर कर रहा था कि जो थर्ड डुमा है उसको भी वो सस्पेंडेड कर दे, उसको भी वो डिसॉल्व कर दे। तो अब क्या हुआ, उसने वो जो वो सोच रहा था, जो उसकी इच्छा थी, उसने अपनी इच्छा पूरी कर ली। इच्छा कैसे पूरी कर ली, जो थर्ड डूमा थी उसको भी उसने संडे को 25 फरवरी को उसको भी डिसॉल्व कर दिया, खारिज कर दिया कि अब कोई डूमा बोमा काम नहीं करेगी, वो अपनी मर्जी से अपना काम करेगा। तो अब जितने भी पॉलिटिशियंस थे वो उसको क्रिटिसाइज करने लगे, अपोज करने लगे। क्यों? क्योंकि जो थर्ड डुमा थी उसमें तो सारे कंजर्वेटिव थे, उसी के लोग थे, अब वो अपने लोगों की भी नहीं सुन रहा था, उनसे भी कोई कंसल्ट नहीं कर रहा था, उसको भी खारिज कर दिया है। तो अब जो पॉलिटिशियन थे ये भी उसके खिलाफ हो गए। अब ये लोग कहाँ पहुँच गए, ये लोग अब वर्कर की पार्टी में पहुँच गए। अब ये लोग वर्कर को सपोर्ट करने लगे, कौन से वर्कर्स को, जो डिमोनिस्ट्रेट कर रहे थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, ये लोग भी उसके साथ मिल गए कि जो राजा जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है। तो पॉलिटिशियन क्रिटिसाइज दिस एंड डिमोनिस्ट्रेटर्स रिटर्न ऑन द स्ट्रीट ऑफ लेफ्ट बैंक ऑन 26 फरवरी 1917। तो 25 को उसने डुमा को खारिज किया, डिसमिस किया। अब 26 को फिर से, अब 26 को पहले सिर्फ डिमोनिस्ट्रेटर्स थे, अब उनके साथ पॉलिटिशियन भी आ गए। अब पॉलिटिशियन उनको लीड करने लगे, एक लीडर का उन्होंने एक लीडरशिप ले ली। अब वो 26 को फिर से लेफ्ट बैंक मतलब जहाँ पर राजा था वहाँ पर फिर से पहुँच गए। अब वो क्या था, ऑन 27 फरवरी पुलिस हेडक्वार्टर्स रनसैक का मतलब क्या है, 27 फरवरी को जितने भी
प्रदर्शनकारी थे या फिर डेमोनस्ट्रेटर्स थे, उन्होंने क्या किया, उस पर अटैक कर दिया जो पुलिस स्टेशन था या पुलिस हेडक्वार्टर था, और वहाँ पर जितने भी वेपन्स थे वो सब उन्होंने ले लिए उनसे। किस लिए ले लिए? क्योंकि वो उन अपनी मांगें पूरी करवाना चाह रहे थे और वो मांग उनकी पूरी हो नहीं रही थी। तो अब ऐसा तो नहीं कि जो जितने भी जो वेपन्स थे पुलिस के पास वो उन्होंने सब लूट लिए हैं, सब उनसे ले लिए हैं, तो वो जो राजा है वो अब बैठ जाएगा चुपचाप। प्रोटेस्ट फॉर ब्रैड वैज एंड बेटर आर्स एंड डेमोक्रेसी। अब ये लोग अपने एक स्लोगन के साथ निकले हैं, जो लेफ्ट बैंक की गलियों में पहुंचे हैं ये, वहाँ पर जाकर इन्होंने क्या किया, जो पुलिस हेडक्वार्टर था वहाँ से सारे वेपन्स को इन्होंने लूट लिया ताकि उनके पास भी वेपन्स हो, और प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट के साथ उनका एक स्लोगन भी था। स्लोगन क्या था? ब्रेड। ब्रेड मतलब वो ऐसा तो नहीं कि राजा से रोटी मांग रहे हैं कि ब्रेड हमें दीजिए, मतलब वो इस तरह की कंडीशन तो करें कि लोग जो भूखा मर रहे हैं उनके पास खाने के लिए कुछ हो, वेजेस उनका बढ़ाया जाए, बहुत कम वेजेस था, बेटर आवर्स जो वर्किंग आवर है वो कम किए जाएँ, उन्होंने डिमांड की थी उनको जो वर्किंग आवर है वो 8 किए जाएँ, एंड डेमोक्रेसी, और वो चाह रहे थे कि राजा वाजा कोई नहीं रहना चाहिए, राजा को हटा दिया जाए और डेमोक्रेसी आनी चाहिए, प्रजातंत्र आना चाहिए, कि जो भी गवर्नमेंट बने वो अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट आए वो इलेक्टेड होकर आए, लोगों की वोट उसे लेकर आए। इतना कुछ हो गया, फिर क्या हुआ? अब गवर्नमेंट क्या कर, गवर्नमेंट ने क्या किया? यहाँ पर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतना सारे जो डेमोनस्ट्रेशन है, ये ट्रेटर्स हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट से यहाँ पर मतलब है ज़ार, ज़ार ही गवर्नमेंट था। तो ज़ार वहाँ पर वो क्या कर रहा था? गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड कैवलरी वंस अगेन। तो जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी सिचुएशन, राजा ने उसको कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिश की, और उसने फिर से जो अपनी क्लेवरी थी उसको फिर से बुलाया, पुलिस को फिर से बुलाया, और क्या किया, क्लेवरी रिफ्यूज्ड टू फायर ऑन द डेमोनस्ट्रेटर उसने, और उनसे क्या कहा, कुछ भी करो, कैसे भी करो, मारो पीटो कुछ करो, लेकिन इनको अंडर कंट्रोल करो। किन को? जो वर्कर्स थे, जो डेमोनस्ट्रेटर्स थे, कि इनको कंट्रोल में करो, ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम क्या हुआ, जो क्लेवरी थी उसने क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया कि हम इन लोगों पर, किन लोगों पर, जो डेमोनस्ट्रेटर्स थे उन पर हम फायर नहीं करेंगे, हम उन पर गोलियां नहीं चलाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब पहले तो जो पॉलिटिशियन थे वो उसके, वो उसको अपोज करने लगे, वो उसका फेवर उन्होंने छोड़ दिया, अब वो फेवर कर रहे थे किसका, वर्कर्स का। अब यहाँ पर जो क्लेवरी थी उसने भी इसको रिफ्यूज़ कर दिया, उसने भी इसको अपोज कर दिया, अब वो भी फेवर किसका कर रहा है, डेमोनस्ट्रेटर्स का। तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, जो प्रदर्शनकारी थे, जो डेमोनस्ट्रेटर्स थे, उनकी जो पावर है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। बढ़ती क्यों जा रही थी, कि दूसरे लोग भी, सिर्फ वर्कर ही नहीं बल्कि दूसरे लोग भी उनके साथ जुड़ते जा रहे थे। जैसे पहले पॉलिटिशियन उनके साथ आ गए, फिर जो क्लेवरी थे वो उनके साथ आ गए, तो इसका मतलब जो पावर है वो बढ़ती जा रही है, स्ट्रांग होते जा रहे हैं वो लोग। तो अब जैसे जैसे उनकी पावर बढ़ती गई, स्ट्रांग होते गए, तो उनकी जो डिमांड थी वो भी बढ़ती चली गई, वो भी स्ट्रांग होती चली गई। तो अब क्या हुआ, जो स्ट्राइकिंग वर्कर थे, जो लोग स्ट्राइक कर रहे थे, और जो सोल्जर्स थे, सोल्जर कौन, ये लोग थे जो राजा के सैनिक थे, सोल्जर्स थे, इन लोगों ने मिलकर एक काउंसिल या फिर एक सोवियत को फॉर्म किया। काउंसिल और सोवियत का मतलब होता है ग्रुप को फॉर्म किया। अब ये सब लोग मिलकर एक ग्रुप बना लिया, अब ऐसा नहीं कि उसके अंदर सिर्फ वर्कर ही हैं, डेमोनस्ट्रेटर्स ही हैं, अब उसके अंदर पॉलिटिशियन भी हैं, अब उसके अंदर सोल्जर्स भी हैं। तो एक पूरा का पूरा उन्होंने ग्रुप फॉर्म कर लिया, और उस ग्रुप को क्या कहा गया, पेट्रोग्रेड सोवियत, उसको कहा गया पेट्रोग्रेड सोवियत। इतना कुछ हो गया, इतना सब कुछ हो गया, तो अब क्या हुआ, अब ज़ार को डर लगने लगा, क्योंकि ज़ार की जो पावर है वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी, ज़ार के जो लोग हैं वो धीरे धीरे उसको छोड़ते जा रहे थे, और जो डेमोनस्ट्रेटर्स की पावर है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, लोग उसको, उसके साथ जुड़ते जा रहे थे। तो राजा कमज़ोर होता जा रहा था और जो प्रदर्शनकारी हैं वो स्ट्रांग होते जा रहे थे। तो अब एक डेलीगेशन वैन टू मीट द ज़ार,
एक डेलीगेशन, डेलीगेशन से मतलब है यहाँ पर कि जो एक पूरा का पूरा एक ग्रुप बना था, काउंसिल बन गई थी जिसको पेट्रोग्रेड सोवियत कहा गया, उसका एक ग्रुप, उसमें से कुछ लोग, एक कुछ लोगों का एक ग्रुप राजा से मिलने गया। किस लिए मिलने गया? हालचाल पूछने गया उसका राजा का कि अब हम लोगों की पावर बढ़ती जा रही है, कैसा लग रहा है आपको? ऐसा करने नहीं गए थे, बल्कि क्या करने गए थे, उन्होंने वो बोलने गए थे कि राजा से कि राजा जी बहुत हो गया, अब आप ये जो कुर्सी है इसको खाली कर दो, अब आप हट जाओ यहाँ से। फिर ज़ार मिलिट्री कमांडेड एडवाइज हिम टू एबडिकेट। जो जार्ज के एक मिलिट्री कमांडर थे उन्होंने उसको एडवाइस किया, क्या एडवाइस किया कि अब आपको क्या कर देना चाहिए, एबडिकेट कर देना चाहिए। एंड ही एबडिकेट ऑन 2 मार्च। उन्होंने कहा कि आपको अब अपनी जो राज गद्दी है उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं आपके खिलाफ, लोगों की पावर बढ़ती जा रही है, अब आप उनका सामना नहीं कर पाएंगे, तो अच्छा ये होगा कि आप अपनी गद्दी को छोड़ दें। और 2 मार्च 1917 को राजा ने अपनी जो पावर थी, अपनी जो सत्ता थी, उसको छोड़ दिया, एबडिकेट कर दिया। अब ये सेकंड बात कर रहे हैं फरवरी की, लेकिन यहाँ पर 2 मार्च से मतलब है कि हमने पढ़ा था जो वो थे ग्रीगोरियन और जूलिया, जो वो थे पंचांग थे या फिर कैलेंडर थे, तो उसमें ये 13 डेज आगे था, तो जो भी एक्टिविटी हो रही है उसमें 13 डेज उसको आगे लेकर जाइए, तो वो मार्च में पहुँच गई एक्टिविटीज़, तो इसमें डेट में कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या हुआ, अब राजा ने छोड़ दिया, हार मान ली उसने कि अब वो उनका सामना नहीं कर पाएगा, तो उसने एबडिकेट कर दिया। फिर क्या हुआ, जो सोवियत लीडर थे, जो पेट्रोग्रेड सोवियत बना था, उसके लीडर और ड्यूमा के लीडर, जो पॉलिटिशियन थे, जो ड्यूमा के मेंबर थे, कंजर्वेटिव लोग थे, उन्होंने क्या किया, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट को फॉर्म किया। उनका मानना था कि अब राजा ने तो अपनी सत्ता छोड़ दी है, राजा तो हट गया है, तो कंट्री को चलाने वाला तो कोई चाहिए कि नहीं चाहिए, कंट्री कैसे चलेगी, कंट्री कैसे रन करेगी, तो इसके लिए उन लोगों ने मिलकर, किन लोगों ने, जो सोवियत लीडर्स से और जो ड्यूमा लीडर्स से, उन लोगों ने मिलकर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट को फॉर्म किया। और प्रोविजनल गवर्नमेंट को फॉर्म क्यों किया, ताकि वो कंट्री को चला सकें। कंट्री को चलाने वाली एक गवर्नमेंट होती है, वही सारे डिसीजन लेती है, तो डिसीजन अब तक कौन ले रहा था, अब तक राजा डिसीजन ले रहे थे, अब राजा को तो हटा दिया गया, राजा तो हट गए, तो अब प्रोविजनल गवर्नमेंट को बना दिया गया कि गवर्नमेंट, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है ये अब कंट्री को चलाएगी, सारे डिसीजन अब ये प्रोविजनल गवर्नमेंट लेगी। उसके बाद उन्होंने एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया, और कंस्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया टू बी इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या सफ्रगेज। जो यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से मतलब है कि सभी लोगों को वोटिंग के राइट्स हों। इससे पहले हमने जो पढ़ा था कि कुछ लोग तो चाहते थे कि सिर्फ मेंस को वोटिंग राइट हो, कुछ लोग चाहते थे कि मेंस में भी सभी लोगों को नहीं हो, सिर्फ उन लोगों को हो जो प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं। विमेंस के फेवर में नहीं थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि विमेंस को भी वोटिंग राइट मिले। लेकिन यहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया गया है वो किसके आधार पर किया गया है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब सबको राइट दिए गए कि सब लोग वोट करेंगे, जो भी एडल्ट हैं या जो भी उस जो एज है वोटिंग की, उसके अकॉर्डिंग जितने भी लोग हैं वो सब वोट करेंगे, चाहे वो गरीब हैं, अमीर हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी रिलीजन को मानने वाले हैं, किसी भी तरह के लोग हैं, वो सब वोट करेंगे। और सब ने वोट करके कंस्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया, और कहा गया उसको कि तुम लोग किसके लिए, तुम लोग रशिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करो, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। फाइनली इतनी मेहनत मशक्कत के बाद, अब यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था उसमें रशिया ने इंक्लूड किया था, लेकिन अब इस वक्त क्योंकि रशिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो उसने अपने आप को वार से पीछे कर लिया, उसने कहा तुम लोग लड़ते रहो, हम पहले अपनी कंडीशन को देख लें, तो रशिया वहाँ से आ गया, उसने पीछे हट गया वहाँ से। फाइनली फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ब्रॉट डाउन मोनार्की इन फेब्रुअरी 1917। फाइनली मोनार्क जो राजा था उसको रशिया से हटा दिया गया, उसकी जो गद्दी थी उसको हटा दी गई, और वहाँ पर क्या आ गई,
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और कंस्टिट्यूट असेंबली को फॉर्म कर लिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म कर लिया गया, ताकि जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री फॉर्म हो जाए। तो आई होप जो जितने भी सारे जो फरवरी रेवोल्यूशन था, फरवरी रेवोल्यूशन का जो एक आउटब्रेक था वो किस तरीके से हुआ और किस तरह से मोनार्क को हटाया गया, ये सारी कंडीशन आपको समझ में आ गई होंगी। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हमारा, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आफ्टर फरवरी रेवोल्यूशन, आफ्टर फरवरी रेवोल्यूशन। ये फरवरी का रेवोल्यूशन ही तो पढ़ा था हमने, तो अब इसके बाद क्या हुआ? राजा तो हट गया, ये सब चीज़ें फॉर्म हो गई, अब इसके बाद क्या हुआ रशिया में वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए दिस टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।